हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आप सभी के साथ कोई व्लॉग शेयर नहीं कर रही हूँ, आप मैं थोड़ा सा हट के वीडियो लाई हूँ, जो कि आप बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे देखते होंगे, कढ़ाई वगैरह साफ़ करने का, ऐसी चीज़ें साफ़ करने का। तो आज काफ़ी सारे आपने देखे होंगे वायरल वीडियो, तो उनकी सच्चाई मैं आज आपको दिखाऊँगी कि वो लोग कितना सच बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं। मैं आपको सामने बिल्कुल लाइव प्रूफ दिखाने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से कर लिया है पानी को गरम, और पानी गरम करने के बाद फिर मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा जो जैसे आप कुछ भी डाल सकते हो, बर्तन धोने वाला या कुछ, मैंने ऐसे ही सर्फ ले लिया है और इसमें डाल दिया है। दो ढक्कन डालूंगी मैं विनेगर, और इसमें डाला है मैंने ये खाने वाला सोडा, जो मीठा सोडा होता है। और आपने काफ़ी सारे ऐसे वीडियो देखे होंगे जो कि बस थोड़ा सा दिखाते हैं और दिखाने के बाद फिर बोलते हैं कि एकदम से इनसे चमक जाता है, क्लीन हो जाता है, ये हो जाता है। तो मैंने भी बहुत सारे देखे और इसीलिए मैं आपको दिखा रही हूँ सामने पूरा लाइव प्रूफ करके। तो ये बस इन सारी चीज़ों को मैंने ले लिया है, और यहाँ पे देख सकते हैं आप मेरी ये थोड़ी सी कढ़ाई नीचे से थोड़ी सी नहीं, काफ़ी ज़्यादा जली हुई है, क्योंकि ज़्यादातर मैं एसी पर काम करती हूँ, ज़्यादातर क्या पूरा काम मैं एसी पर करती हूँ। और वो लोग बोलते हैं कि इस तरीके से इसको स्क्रब से करना है, थोड़ा थोड़ा घिसना है और ये एकदम से साफ़ हो जाता है। पर मैंने इस पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत की, काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा इसको घिसा। तो पहले मैंने इसको ऐसे ही जो स्क्रब होता है ये से किया, फिर इससे कुछ इतना ज़्यादा मुझे कुछ रिजल्ट नहीं मिल पाया, और पानी मैंने काफ़ी ज़्यादा गर्म लिया था। फिर मैंने इसके बाद जो स्टील वाला जूना होता है उस जूने को लिया, और फिर मैंने थोड़ा सा ना, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा सा इसका स्पीड को बढ़ा दिया है, क्योंकि आपको अगर मैं पूरा दिखाती तो, अगर सच बताऊं तो मुझे इसको साफ़ करते करते इसमें आधा घंटा लग गया। जो वो लोग दिखाते हैं वो उतना सारा सच नहीं होता है, थोड़ा बहुत होता है लेकिन उतना नहीं होता है। तो फिर देखिए मैं अभी इसको, ये स्टील वाला जूना होता है, इससे इसको अच्छे से घिस रही हूँ चारों तरफ से, और फिर इससे घिसने के बाद इससे भी नहीं हो पाएगा तो फिर मैं और कुछ ट्राई करूँगी जो मुझसे हो पाएगा वो। लेकिन आज मैं इसको पीछे से साफ़ तो कर दूँगी, और कितना होगा वो आप देख लेना। फिर मैंने ना, क्योंकि ये यहाँ पे क्या होता है, ऑयल है, जो ऑयल जम जाता है और वो जल जाता है, जिसकी वजह से फिर ये पीछे से छूटना बहुत दिक्कत हो जाती है, छूट नहीं पाती है। और इसको घिसते घिसते सच में मेरा हाथ दर्द करने लग गया, क्योंकि आधा घंटा काफ़ी होता है। इसको साफ़ करते करते मुझे आधा घंटा लगा था बस, आप 4-5 मिनट की वीडियो में मैंने आपको दिखाया है। अंदर से तो ये साफ़ है, लेकिन ये नॉन स्टिक वाली कढ़ाई थी जो कि अभी अंदर से धुल धुल के ये ख़राब हो चुकी है, इसका नॉन स्टिक पूरा निकल चुका है। तो फिर मैंने देखिए एक नुकीला चाकू लिया है, चाकू की हेल्प से थोड़ा थोड़ा सा मैं कोशिश कर रही हूँ, अगर ये छूट जाएगा तो इसको छुड़ाने की। और बाद बाकी का इतना कुछ नहीं है जितना वो लोग दिखा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको मेहनत पूरी करनी पड़ेगी। बेशक आप खाली जो बर्तन धोने वाला साबुन होता है ना, मुझे लगता है अगर उसको लेके भी आप मेहनत करोगे तो वो रिजल्ट शायद मुझे लग रहा है यही मिलेगा। और काफ़ी चीज़ें दिखाते हैं, कभी पेस्ट से दिखाते हैं, लेकिन इन चीज़ों से उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसमें मेहनत पूरी बराबर आपको करनी पड़ती है। और धीरे धीरे आप देख ही सकते हैं, जब मैंने ज़्यादा इसको घिसा है तो अभी ये काफ़ी इसका चेंज हो गया है, काफ़ी बदल गया है, अभी थोड़ा सा साफ़ हो गई है। और अभी मैं थोड़ा सा इसको और घिसूंगी, और इसके बाद मैंने थोड़ा सा और अपना देसी तरीका ट्राई किया, जो जैसे हम लोहे के कोई बर्तन होते हैं, लोहे की कढ़ाई हुई या लोहे का तवा हुआ, तो उसको हम उससे साफ़ करते हैं जो ईंट होती है। तो फिर मैंने थोड़ा सा इसको ईंट से भी घिसा है, और फिर उसके बाद आप देखिए कि ये कैसा है। फाइनली ये देखिए, ये रिजल्ट मुझे मिला है, साफ़ हो गई, उतनी तो नहीं हुई जितनी एकदम से चमक जाए, लेकिन मेहनत जितनी की उस हिसाब से बहुत ज़्यादा साफ़ हो गई। और मैंने इसमें मीठा सोडा विनेगर इन सब चीज़ों का यूज़ किया था, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं हुई है, आप देख ही सकते हैं। मैंने आपको लाइव प्रूफ एकदम दिखा दिया जितनी साफ़ हो पाई है, और पूरा मुझे काफ़ी टाइम इसमें लग चुका है, ये उतनी साफ़ हुई है। पहले से तो बहुत ज़्यादा, 50% से ज़्यादा तो साफ़ हो गई मुझे लग रहा है।
लेकिन उतनी नहीं होती है जितनी ये लोग दिखा देते हैं बस वीडियो चलाने के लिए। तो मैंने सोचा मैं कर रही हूँ तो आप सभी के साथ भी शेयर करती हूँ। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छे से वीडियो व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।